दुनिया में सभी माँ बाप अपने बच्चों के नाम बड़े ही प्यार से रखते हैं। बच्चे को उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोग ऐसे नाम रखते हैं जिनका मतलब खास हो। लेकिन हाल ही में ब्राजील से एक मामला सामने आया है जिसमें एक कपल ने जब अपने नवजात बच्चे का नाम रखा तो मामला अदालत में भी चला गया। स्थिति ये आई कि अदालत ने बच्चे का नाम कैंसिल करवा दिया। कोर्ट ने कपल से कहा कि बच्चे की जिंदगी खराब करोगे क्या। यहाँ कैटरीना और डेनिलो प्रीमोला नाम के एक कपल ने बेटे को जन्म दिया तो उसका नाम पिए रखा। ये एक ऐतिहासिक कैरेक्टर जो मिस्र का पहला ब्लैक थ्रोन था। पिए ने 25वें राजवंश की स्थापना में मदद करते हुए 30 वर्षों तक मिस्र पर शासन भी किया था। लेकिन अदालत ने इस पर हस्तक्षेप किया और डर जताया कि असामान्य नाम के कारण बच्चे को जिंदगी भर के लिए बुली होना पड़ सकता है। अदालत ने बच्चे के नाम के सांस्कृतिक उद्देश्य को किनारे करते हुए इस तरह फैसला दिया कि कुछ भी हो, बच्चे को भविष्य में इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं बच्चे के पिता डेनिलो प्रीमोला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अदालत में पिए पर चर्चा हुई जिसमें काले फ्रोन के बारे में बात की गई, लेकिन बेटे का नाम रखने से पहले हमने रिसर्च की थी और हमें मालूम हुआ कि पिए एक न्यूबियन योद्धा था जिसने मिस्र से लड़ाई की और जीत कर पहला ब्लैक फ्रोन बन गया। कपल के अनुसार उन्होंने अपने अफ्रीकी वंश के साथ संबंध बनाए रखने के महत्व के कारण अपने बेटे का नाम पिए के सम्मान में रखने का फैसला किया था। डेनिलो प्रीमोला ने कहा कि अफ्रीकी नामों को पुनर्प्राप्त करना ब्लैक लोगों के इतिहास को एक नई कहानी देने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमें अपने बच्चों को इस ताकत, इस संस्कृति के साथ और इस तरह से शिक्षित करने का अधिकार है कि उनके नाम पर उनका प्रतिनिधित्व हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फ्रोन के नाम का उच्चारण पुर्तगाली शब्द प्ली के समान है जो एक बेले डांस स्टेप है। कोर्ट ऑफ जस्टिस मीनस गैरेस ने कहा कि ऐसे नाम से बच्चे को भविष्य में बुली होना पड़ सकता है। डेनिलो प्रीमोला ने कहा कि कोर्ट ने हमारे बच्चे का ये नाम रखने की इजाजत नहीं दी, लेकिन नाम बदलने से बुली करने वालों को नहीं रोका जा सकता है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।